हेलो गाइस, ये एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का तीसरा लेक्चर है जो क्लास टेंथ के लिए है। इससे पहले मैंने ऑलरेडी दो लेक्चर बना रखे हैं। उन दोनों ही लेक्चर में एनसीईआरटी बुक से मैंने पांच और पांच क्वेश्चन यानी कि 10 क्वेश्चन तक मैंने ऑलरेडी करा रखे हैं। अगर आपने उन्हें नहीं देखे हैं तो उन्हें देख लीजिए। आज हम यहाँ पे 11 से 16 तक इस एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चन है उसे फिनिश कर देंगे, ठीक है, या कोशिश करेंगे 11 से 16 तक हो जाए। फिर एक दिन हम एग्जाम्पल के जितने क्वेश्चन उसे कर लेंगे और फिर चार पांच क्वेश्चन आपको अलग से अपनी तरफ से हम कराएंगे जो प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं, फ्रीक्वेंटली कई बार आए हुए हैं, उन क्वेश्चन को कराएंगे। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं। आपके पास बुक होगा, वैसे यहाँ पे क्वेश्चन राइट हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, मैं बुक से बता रहा हूँ। A TV tower stands vertically on a bank of a canal. कह रहे एक कैनाल है, रिवर है, उसके बैंक पे किनारे पे एक टीवी टावर लगी हुई है। From a point on the bank directly opposite to the tower, the angle of elevation of the top of the tower is 60 degree. तो कहीं कैनाल से टॉप ऑफ द टावर जो होता है 60 डिग्री का एंगल बनाता है। From another point 20 meter away from this point, line joining the point of foot of the tower, the angle of elevation is 30 degree. तो कह रहा 20 मीटर दूर से उसका एंगल ऑफ एलिवेशन जो होता है 30 डिग्री हो जाता है। सॉरी, तो आपसे पहला विड्थ ऑफ द कैनाल, इस कैनाल का विड्थ कितना है ये पूरा आपको पता करना है। तो आइए इसमें शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर ये क्वेश्चन है 11। आपके बुक में इसका फोटो वगैरह बना हुआ है, ठीक है, तो आप देख सकते हैं बुक में। ये मान लीजिए टावर है ऐसा, और ये इधर की तरफ कैनाल है। तो यहां से पहले देखा गया इसको तो ये 60 डिग्री का एंगल बना रहा था, ये यहां से देखा गया तो इसे 60 डिग्री का एंगल बना रहा था। ये टावर है और ये कैनाल है, यहां से यहां ऐसा देखा गया तो ये 60 डिग्री का एंगल बना रहा था। और जस्ट इससे 20 मीटर दूर यहां कहीं से देखा गया तो ये 30 डिग्री का एंगल बना रहा था और ये टावर। तो आपसे बोल रहा है विड्थ ऑफ द रिवर कितना होगा ये पता करना है। तो कुल मिला के इसमें जो जो चीज कह रहा फाइंड कर देते हैं। ये वाई मान लेते हैं इस डिस्टेंस को, और इस डिस्टेंस को आप एक्स मान लीजिए, ठीक है। तो एक बार 60 डिग्री लगाएंगे और एक बार 30 डिग्री। तो पहले लगाते हैं टेन 60 डिग्री। टेन 60 क्या होगा, वाई अपॉन एक्स। टेन 60 का मतलब 1 अपॉन, टेन 60 का मतलब रूट 3 होता है, इक्वल टू वाई अपॉन एक्स। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो y का वैल्यू हो गया रूट 3x, ये हो गया विड्थ ऑफ द रिवर, ये x फाइंड करना है। अब tan 30 लगाएंगे, tan 30 क्या होगा, y अपॉन x प्लस 20, ये x और ये 20। तो y की वैल्यू अभी तो निकाला था रूट 3x, tan 30 कितना होता है 1 अपॉन रूट 3 होता है, और ये हो गया रूट 3x अपॉन x प्लस 20। क्रॉस मल्टीप्लाई जब करेंगे x प्लस 20 इक्वल टू 3x हो जाएगा। x को इधर कर दो तो 2x इक्वल टू 20 हो गया। x इक्वल टू कितना हो जाएगा 10 मीटर। और अगर हाइट ऑफ द टावर पूछ देता y निकालने के लिए तो क्या करते, तो 10 रूट 3 मीटर हो जाता। तो ये पूरा क्वेश्चन नंबर 11 का सॉल्यूशन हो गया। आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा, ये ज्यादा मुश्किल नहीं है, आसान है। ये आपका फिगर बुक में ऑलरेडी बना हुआ है। आइए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 को करेंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हटा देता हूं मैं इसे। क्वेश्चन नंबर 12 करेंगे। क्वेश्चन 12 क्या कहता है, कह रहा फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर बिल्डिंग the angle of elevation of the top of a cable tower is 60 degree and the angle of depression of its foot is 45 degree. Find the height of the tower. तो यहाँ आपसे कह रहा है एक 7 मीटर की बिल्डिंग है और एक टावर है। तो टावर ये रहा और एक बिल्डिंग ये रहा, ये दोनों जमीन पे ही खड़े होंगे। तो ये जो बिल्डिंग है ये 7 मीटर का है और ये टावर है। तो यहां से अगर यहां एक लाइन ड्रॉ कर लिया जाए तो ये भी कितने का हो जाएगा, 7 मीटर का हो जाएगा। ये डिस्टेंस नहीं मालूम तो इसको वाई मान लेते हैं और इस डिस्टेंस को एक्स मान लेते हैं।
अब ध्यान से समझिए, कह रहा है कि यहां से टॉप ऑफ द टावर को देखते हैं, यहां से टॉप ऑफ द टावर को देखते हैं तो 30 डिग्री का एंगल बनाता है, 30 या 60, टॉप ऑफ द टावर 60 डिग्री, सॉरी ये 60 डिग्री का एंगल बनाता है। इसके बाद यहां से इसी फुट से इसके बॉटम को देखते हैं तो ये 45 डिग्री का एंगल बनाता है, तो ये 45 होगा तो ये भी 45, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन जो होता है वो एंगल ऑफ एलिवेशन के बराबर होता है। तो आपको पता करना है कि ये टावर की हाइट यानी कि y प्लस 7 कितना होगा ये पता करना है। तो कुल मिला के अगर मुझे y पता चल जाए तो काम बन जाएगा। तो सबसे पहले इस वाले ट्रायंगल में, छोटे से ट्रायंगल में 10 45 लगा लेते हैं, 10 45 इक्वल टू 7 अपॉन x, 10 45 की वैल्यू 1 होता है, 1 इक्वल टू 7 अपॉन x, इसका मतलब x का वैल्यू 7 मीटर आ गया, यानी कि टावर और बिल्डिंग के बीच का डिस्टेंस जो है 7 मीटर है, ये भी पता चल गया। अब हमको ये ऊपर वाला निकाल लेते हैं 10 60 डिग्री से, ये y अपॉन ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस तो x के बराबर है, तो y अपॉन x, ये डिस्टेंस जो है x के बराबर है, तो ये होता है √3। y तो नहीं पता है और x अभी अभी मैंने निकाला 7, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे y इक्वल टू 7 √3 मीटर। तो आपसे पूछा टावर कितना बड़ा होगा, तो टावर की हाइट निकालने के लिए y और 7 को प्लस करना है, 7 √3 प्लस 7, 7 कॉमन ले लीजिए, √3 प्लस 1 मीटर, ये हो गया आंसर। तो इस तरह से यहां पे हमने टावर की हाइट फाइंड कर ली। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 12 समझ में आया होगा। चलिए अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 करेंगे, तो इसे हटा देते हैं। क्वेश्चन 13, तो क्वेश्चन 13 भी इसी तरह से बहुत ही आसान है, देखते हैं क्या है। कह रहा है एन ऑब्जर्वर फ्रॉम द टॉप ऑफ 75 मीटर लाइट हाउस फ्रॉम द सी लेवल द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। तो कह रहा है एक टावर है, उसके टॉप से दो शिप का, डिफरेंट शिप्स का एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है एक 30 डिग्री होता है और एक 45 डिग्री होता है। इफ वन शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर वन, तो एक शिप जो दूसरे के जस्ट पीछे है, ठीक है। अब आपसे कह रहा है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स, दोनों शिप के बीच का डिस्टेंस फाइंड करें। तो ये मान लीजिए लाइट हाउस है और ये मान लीजिए रिवर है, तो यहां पर एक शिप है और एक शिप यहां पे है, तो यहां से इसे ऐसा देखा ना तो 30 डिग्री का एंगल बना रहा था, और यहां से इसे ऐसा देखा तो 45 डिग्री का एंगल बना रहा था, ऐसा इसने कहा है, 30 डिग्री एंड 45 डिग्री का। और ये जो लाइट हाउस है ये 75 मीटर का है, तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस आपसे कह रहा है फाइंड करने के लिए ये कितना होगा ये पता कीजिए, और इसको हम y मान लेते हैं, मुझे ये पता करना है। तो सबसे पहले यहां लगाएंगे 10 45, 10 45 इक्वल टू क्या होगा 75 अपॉन y, ये डिस्टेंस, तो 10 45 तो 1 होता है, 75 अपॉन y, तो y की वैल्यू आ गई 75 मीटर, ये पता चल गया। अब इसके बाद पता करेंगे 10 30 डिग्री से, तो 10 30 डिग्री निकाल लेते हैं, ये होगा 75 अपॉन y प्लस x, तो 10 30 डिग्री होता है 1 अपॉन √3, 75 अपॉन y प्लस x, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, x प्लस y इक्वल टू 75 √3, और यहां y की वैल्यू 75 रख देंगे, x प्लस 75 इक्वल टू 75 √3, 75 को उधर ले जाके माइनस कर दीजिए, तो 75 कॉमन ले लेंगे, √3 माइनस 1 मीटर, यानी कि वो दोनों एक दूसरे के जस्ट इतना दूर पीछे हैं। ये इस तरह से हमारा काम आसान सा हो गया, ठीक है। अब इसके बाद एक और क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 14। आई होप इट्स क्लियर टू यू। तो क्वेश्चन 14 करने के लिए फिर से मैं इस फोटो को हटा देता हूं, इस चीज को हटाऊंगा तभी तो करूंगा। क्वेश्चन नंबर 14, आइए देखते हैं 14 क्या कहता है। 14 क्वेश्चन के लिए आपके बुक में फिगर भी बना हुआ है, फोटो आप देख सकते हैं,
फिर भी मैं यहां पे बनाऊंगा ताकि आप समझ सके क्या है वो क्वेश्चन। कह रहा है अब 1.2 मीटर टॉल गर्ल, तो ये मान लीजिए जमीन है और यहां पे एक 1.2 मीटर की गर्ल है, ठीक है। अब 1.2 मीटर टॉल गर्ल, ये पूरा हम ऐसा डिस्टेंस ले लेते हैं, ये सब के सब होंगे 1.2 मीटर के, ठीक है। अब 1.2 मीटर टॉल गर्ल स्पॉटेड अ बैलून मूविंग विद द विंड इन द हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ 88.2 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड, यानी कि एक बैलून है जो 88.2 मीटर की हाइट पर उड़ रही है, यानी कि ये पूरा हाइट जो है 88.2 मीटर है। यहां पर भी एक ले लेते हैं क्योंकि आपके बुक में बना हुआ है फोटो, इसलिए हम ऐसा ले रहे हैं। यहां पे एक बैलून है और यहां पे सेम बैलून है, तो ये 88.2, ये 1.2 हो गया, तो यहां से यहां जो बचेगा वो 88.2 माइनस 1.2 यानी कि 87 मीटर बचेगा, यानी यहां से यहां तक 87, वैसे ये भी होगा यहां से यहां तक 87 मीटर का, ठीक है। अब आपसे कह रहा है कि कुछ देर के बाद 60 डिग्री से 30 डिग्री हो जाता है, ये टोटल 60 डिग्री है और ये 30 डिग्री है, तो आपसे पूछा जा रहा है कि ये बलून ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, ये एक्स पता करना है आपको और ये वाई मान लेते हैं आप। तो ये टोटल क्वेश्चन है, आई थिंक आपने क्वेश्चन पढ़ लिया होगा। अब इसमें देख लेते हैं, सबसे पहले हम लगा देंगे 10 60 डिग्री, छोटे वाले ट्रायंगल में 10 60 डिग्री क्या होगा, 87 अपॉन वाई, 10 60 √3 होता है इक्वल टू 87 अपॉन वाई, तो वाई का वैल्यू हो गया 87 √3 मीटर। आप चाहे तो रेशनलाइज कर सकते हैं यहां पर से भी, तो चलिए कर देते हैं, √3 अपॉन √3, तो 87 √3 अपॉन 3 29, ये हो गया 29 √3 मीटर, ये वाई की वैल्यू आ गई। अब उसके बाद 10 30 लगा लेंगे, ये क्या होगा फिर 87 अपॉन x प्लस वाई, 10 30 1 अपॉन √3 होता है, 87 अपॉन x प्लस वाई की वैल्यू 29 √3, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे x प्लस 29 √3 इक्वल टू 87 √3, 29 को उधर ले जाकर माइनस कर दीजिए, यही आंसर आपका। 29 जब माइनस करेंगे 87 माइनस 29, तो ये 58 हो जाएगा, 58 √3 मीटर, ये है आपका आंसर। तो इस तरह से बैलून के दोनों बैलून के बीच का ये डिस्टेंस जो है ये आपका 58.3 मीटर का √3 मीटर का आंसर आ गया है। तो ये एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन एक दो बार आ चुका है, तो अच्छे से कर लेंगे इस क्वेश्चन को। चलिए एक और क्वेश्चन है, वो एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि वो कई बार एग्जाम में आ चुका है, तो उसे करने से के लिए फटाफट से नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप आराम से काम कर सके। आइए अब इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 तक ही आज कराएंगे, 16 नहीं कराऊंगा, 16 अगर करा दिया तो फिर कल आप एग्जाम्पल कैसे करेंगे, कल सारे क्वेश्चन का एग्जाम्पल जो होगा इस चैप्टर का अच्छा अच्छा एग्जाम्पल वो सारा कर लेंगे, आज 15 तक करेंगे। तो क्वेश्चन 15 देख लेते हैं, क्वेश्चन 15 तो जरा देखिए, क्या एक हाईवे है, स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ अ टावर, अ मैन स्टैंडिंग ऑन द टॉप ऑफ अ टावर ऑब्जर्व अ कार एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री विच इज अप्रोचिंग टूवर्ड्स द फुट ऑफ द टावर with a uniform speed. 6 seconds later, the angle of depression of the car is found to be 60 degree. Find the time taken by the car to reach the foot of the tower from the point. तो आप ये क्वेश्चन पढ़ेंगे और यहाँ पे लिखा हुआ भी है जैसा देख सकते हैं। अब इसको बनाते हैं, देखिए जरा, एक टावर है, कितना बड़ा टावर नहीं मालूम, और ये टावर जो एक हाईवे के किनारे लगा हुआ है, ये हाईवे है, तो एक बंदा यहाँ से इस एक कार को आता देखता है, यहाँ पर एक कार है, यहाँ पे आता देखता है, इसने जब देखा था तो ये 30 डिग्री का एंगल बना रहा था, कितने डिग्री का, 30 का, तो ये भी आ गया 30 डिग्री का एंगल। अब का 6 सेकंड के बाद ये कार इधर की तरफ आ रहा था टावर की फुट की तरफ, तो 6 सेकंड के बाद कार यहां पे पहुंच गया,
अब इस बंदे ने इस कार को यहां से ऐसा देखा तो क्या ये एंगल 60 डिग्री का हो गया, यानी कि ये कितना हो गया 60 डिग्री, और यहां से यहां आने में 6 सेकेंड का टाइम लगा उसे। तो आपसे बोल रहा है यहां तक आने में कितना सेकेंड का टाइम लगेगा ये पता कर दीजिए, ये पता करना है। तो भैया यहां पर तो डिस्टेंस से सारा नाता रिलेशन होता है, ये तो टाइम का हो गया, टाइम से हम नहीं निकालेंगे, जब निकालेंगे तो डिस्टेंस से। तो चलिए इस डिस्टेंस को हम h मान लेते हैं, वर्टिकल डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को हम x मान लेते हैं और इस डिस्टेंस को हम y मान लेते हैं, इसके बाद हम पता करेंगे। तो सबसे पहले tan 60 लगा लेते हैं, h अपॉन x, tan 60 रूट थ्री होता है, x को इधर कर देंगे रूट थ्री एक्स इक्वल टू एच, पहला रिलेशन आ गया। अब दूसरा लगाएंगे tan 30, h अपॉन x प्लस वाई, tan 30 वन अपॉन रूट थ्री होता है और h का वैल्यू रूट थ्री एक्स है, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, x प्लस वाई इक्वल टू थ्री एक्स, इस x को इधर ले जाकर माइनस कर देंगे, थ्री एक्स माइनस एक्स, तो y की वैल्यू आ गई 2x। तो ये जो y है 2x के बराबर, ये जो y है y इक्वल टू 2x, डिस्टेंस ट्रेवल इन 6 सेकेंड, ये आपको क्वेश्चन में दिखा हुआ है, 2x डिस्टेंस जो है 6 सेकेंड में ट्रेवल किया गया। तो आपसे पूछ रहे x डिस्टेंस कितना सेकेंड में ट्रेवल करेगा, x डिस्टेंस ट्रेवल इन 6 अपॉन 2 यानी कि 3 सेकेंड। ये आपके एग्जाम में 3 सेकेंड, 5 सेकेंड, 10 सेकेंड ऐसे करके क्वेश्चन पूछा जाता है। एक बार 10 मिनट लिख दिया गया था यहाँ पे, तो उसका जस्ट जो भी सेकेंड होगा लिखा हुआ उसका जस्ट आधा यहाँ पे आंसर आता है। ठीक है, तो आज यहीं पर रहने देंगे, थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप इट अप, लगे रहिए, लाइक शेयर कमेंट कर दिया कीजिए अगर अच्छा लगे तो। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 16 करेंगे, वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। उसके बाद एग्जाम्पल में 1 से 7 तक जितने क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चन कल ही निपट देंगे, यानी कि कल जो है अप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री आपके एनसीईआरटी बुक से खत्म हो जाएगा। और फिर नेक्स्ट डे जब हम काम करेंगे तो उसमें हम अप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में वो क्वेश्चन जो एग्जाम में आए हुए उसके बारे में डिस्कस करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, थैंक यू, बाय बाय।